उधर अनुकंपा आधारित नौकरी के लिए और ज्वाइनिंग लेटर की मांग को लेकर चयनित अभ्यर्थियों ने बक्सर समाहरणालय मुख्य गेट को जाम कर धरने पर बैठ गए। सुबह सवेरे करीब 9:30 बजे ही समाहरणालय मुख्य गेट जाम होने से अधिकारी कर्मचारी अपने दफ्तरों में जाने के लिए निर्धारित समय पर हाजिरी बनाने को लेकर परेशान हो गए, जिससे घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बक्सर SDM धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने धरनार्थियों से वार्ता कर गेट के सामने से हटाया। धरना पर बैठे लोगों का कहना था कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया 1 साल से लंबित रखा गया है। बक्सर SDM धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि धरने दे रहे लोगों की मांग वरीय अधिकारियों के साथ वार्ता कर जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। समाहरणालय में सड़क मार्ग कुछ देर के लिए बाधित था, अब सुचारू रूप से प्रारंभ कर दिया गया है। ये नया मामला है, मेरी जानकारी में पहले नहीं था। हालांकि एक दो बार पहले ये लोग बैठे थे धरने पर, उस समय जानकारी हुई थी कि इनका धरना समाप्त करा दिया गया था। इस आश्वासन पर कि उप विकास आयुक्त महोदय इसको देख रहे हैं, उसमें इन्होंने जो आज चिट्ठियाँ दिखाई उसमें ये भी देख के जाहिर होता है कि उप विकास आयुक्त महोदय के स्तर से इसमें इंटरवेंशन किया गया है, पत्राचार भी किया गया है। इनका कहना है कि बिना मार्गदर्शन मांगे, मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं थी, मार्गदर्शन मांगे बिना अन्य जिलों में काम हुआ है। मतलब अनुकंपा पर शिक्षकेतर कर्मियों की और शिक्षकों की बहाली हुई है। हम लोगों के मामले में संज्ञान में ये मामला आया है, क्योंकि जिला पदाधिकारी अभी अवकाश पर, उनको बताया गया है 24 को जब वो वापस आते हैं उनका पक्ष उनके सामने रखा जाएगा। इस बीच में अनुरोध किया गया है कि जो भी संबंधित